नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पार्टी हाईकमान, सुखविंदर सिंह सुक्खू बन सकते हैं हिमाचल के नए मुख्यमंत्री। आरक्षण मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिया बड़ा बयान, कहा जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगी। बच्चों के खिलाफ अपराधों पर स्मृति ईरानी ने जताई चिंता, कहा तेजी से समाधान के लिए जजों से मांगे सुझाव। जानेंगे खबरों को विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल विधानसभा परिसर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने की बड़ी संभावना है। इससे पहले चुनाव पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित सिसिल होटल में हर विधायक से अकेले अकेले मुलाकात की। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना सकती है। प्रतिभा सिंह की जगह उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाईकमान को कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने विवाद खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री बनाने की भी सलाह दी है। अगर हाईकमान इस पर सहमति दे देता है तो प्रतिभा सिंह की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आरक्षण के मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह आदिवासी आरक्षण को लेकर दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर विधेयक पारित कर राज्यपाल को सौंपा गया, लेकिन अब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं होने से भी संशय बना हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से हस्ताक्षर नहीं करने को कहा है। इसी के साथ शनिवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके धमतरी जिले के दौरे पर पहुंची। इस दौरान राज्यपाल ने मीडिया के सामने खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आरक्षण मामले में कहा कि सरकार ने क्या अधिकार मानकर इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। अगर केवल आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का मामला होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, और वैसे भी मैं जब तक सरकार की तैयारियों से संतुष्ट ना हो जाऊं तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगी। यदि विधायिका ने उसमें विमर्श किया है, कानून का रूप देने की कोशिश की है, तो महामहिम को उसमें हस्ताक्षर करना चाहिए। जो असंतुष्ट है तो उसको वापस करना चाहिए, फिर उसमें मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, उसके बाद फिर उनके पास भेजेगा। लेकिन उसमें उसको अनावश्यक रोक के जो जिन उद्देश्यों के लिए विधेयक पारित कराया गया उसमें बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर चिंता जाहिर कर चुका है। वहीं अब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण मामले को निपटाने में औसत समय 509 दिनों का लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में लेकर समाधान के लिए न्यायाधीशों से सुझाव मांगे गए हैं, ताकि मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक ढांचा तैयार हो, जिस पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने चिंता जताई है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चों का यौन शोषण एक छिपी हुई समस्या है, पता चलने के बाद भी लोग इस पर चुप्पी साध लेते हैं, इसलिए अब राज्यों को आगे आना चाहिए और परिवारों को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही अपराधी परिवार का सदस्य क्यों ना हो। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।